अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। सितंबर का आज आखिरी दिन है और अक्टूबर में मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का आगाज करना था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इस आज़ादी मार्च से पीपल्स पार्टी शिरकत से पहले ही इनकार कर चुकी, मगर नून लीग ने उसकी हिमायत की थी और मौका अख्तियार किया था कि वो 30 सितंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मार्च की तारीख का हतमी फैसला करेगी। आज नून लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन आज़ादी मार्च की तारीख से मुतालिक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका, बल्कि नून लीग ने आज एक और कमेटी तश्कील दे दी है जो JUIF से मार्च की हतमी तारीख से मुतालिक मुशावरत करेगी। यानी मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिद नजर तो नहीं आ रही, लेकिन बज़ाहिर मुत्तहिद रहने के लिए आए रोज एक कमेटी जरूर तश्कील दे रही है। साथ ही हसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौका अख्तियार किया कि इजलास में अक्सरियती अराकीन का यह ख्याल था कि वो मार्च को नवंबर तक मौखर करें और मौलाना फजलुर रहमान को तजवीज़ दें कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और कोशिश की जाए कि दीगर जमातों से मिलकर इस मार्च को कामयाब करें। नून लीग ये कह रही है कि उनकी कोशिश है कि दीगर जमातों को साथ लेकर चला जाए, जबकि पीपल्स पार्टी मार्च में शिरकत करने से इनकार कर चुकी है। अब नून लीग की तरफ से इस नए ऐलान को किस तनाजुर में लिया जाए? क्या नून लीग को एहसास हो गया है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर इस मार्च को कामयाब नहीं बना सकती? क्योंकि जो बयान सामने आ रहे हैं उससे बाहर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। आज पीपल्स पार्टी की तरफ से ये ऐलामिया सामने आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगी। साथ ही जरा से यह खबर भी सामने आई कि इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन की तहरीक पर गौर होगा, जबकि मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद मार्च और चार्टर ऑफ डिमांड के उमूर पर भी जेर बहस आएंगे। क्या पीपल्स पार्टी को वाकई मनाने की कोशिश हो रही है? नून लीग ने ऐसी क्या गारंटी मौलाना फजल रहमान से ली है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़े एतराज़ है कि मजहब का इस्तेमाल अगर मौलाना करेंगे, नफरत की सियासत अगर होगी, तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ने आज एक इम्कान जो बात की उसे ऐसा लगा कि इस इम्कान को तकवीत मिली कि पीपल्स पार्टी मान सकती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वो मौलाना और दीगर जमातों से राबते में हैं, अगर कोई दरमियानी रास्ता निकलता है तो वो मार्च की अखलाकी हिमायत से आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जमहूरियत से पीछे हट सकती है, ना इंसानी हकूक से पीछे हट सकती है, ना 18वीं तरमीम से पीछे हट सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील पे लानत भेजती है। हम सिर्फ लड़ने जानते हैं और हम लड़ेंगे। जहां तक आज़ादी मार्च की बात है, जहां तक धरना की बात है, धरना की सियासत है, उस पे हमारा स्ट्रेटेजिकली एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, लेकिन हम एक दरमियानी रास्ता ढूंढ सकता है। हम तो रबते में हैं, मैं मिल रहा हूँ मौलाना से, मैं मिल रहा हूँ दूसरे जमातों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर अपना किरदार अदा करेगी। अभी तक हमने अपना मॉरल सपोर्ट और जमहूरी सपोर्ट मौलाना साहब को दिया है, अगर कोई दरमियानी रास्ता निकलता है तो हम इससे ज़्यादा सपोर्ट भी दे सकते हैं। अब वो दरमियानी रास्ता क्या होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी JUIF की तरफ से मजहब के इस्तेमाल पर इस मार्च से पीछे हटी थी और अलग से एहतजाजी मुहिम का ऐलान कर चुकी थी, जबकि JUIF ने अक्टूबर को मैं मार्च का ऐलान किया था और नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा था, मगर नून लीग कमेटी पर कमेटी बना देती है। 30 सितंबर की बात की थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास हुआ, इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, एक और कमेटी बना दी। क्या इस वक्त नून लीग सोच रही है, क्या कश्मकश का शिकार है, क्या धरने में शिरकत नहीं करना चाहती मगर ये तासुर भी नहीं देना चाहती? नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, पीपल्स पार्टी तो पहले ही हट चुकी थी, अब वो जाहिर इशारे दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। नून लीग ने आज 30 सितंबर का कहा था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास होगा उसके बाद फैसला करेंगे, उसके बाद आपने आज एक और कमेटी बना दी है। क्या मौलाना की जो मार्च है उसमें शिरकत करना भी नहीं चाह रहे और मौलाना को मना भी नहीं करना चाह रहे, अपने कारकुन को ये तासुर भी नहीं देना चाह रहे कि आप सड़कों पर आने को तैयार नहीं है जबकि आपकी लीडरशिप जेलों में है, कन्फ्यूज्ड है नून लीग? देखिए, आज हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ उसमें बहुत तफसील के साथ इस पर बात हुई है, और जो हमारा क़यादत का पहले फ़ैसला था कि हम असूली तौर पे उसकी हमायत करते हैं और उसमें शरीक भी होंगे, उस फैसले की तौसीक के साथ साथ कमेटी एक इसलिए कायम की गई है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसके जो लॉजिस्टिक्स हैं और इसकी तारीख के हवाले से भी पहले से ये बात तय थी कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद दोनों जमातें मिलकर मुश्तरका तौर पे तारीख का तायुन करेंगी। तो आज हमारी कमेटी में बहुत ये एक अक्सरियती राय थी
कि हमें भी इसके लिए मोबिलाइजेशन के लिए कुछ वक्त दरकार है, चूँकि मौलाना साहब की तो 8 माह से मिलियन मार्चेस और पार्टी मोबिलाइज्ड है। अब अगर हम एक एक्टिविटी में हिस्सा लें और उसमें हमारी पार्टी पूरी तरह शामिल ना हो सके, वो भी हमारे लिए एक एम्बेरसिंग सिचुएशन होगी। और साथ के साथ हमारा ये ख्याल था कि चूँकि रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, तो उसके भी तकद्दस के पेश नज़र हमें रबीउल अव्वल का इंतज़ार करना चाहिए, और नवंबर के आखिर में अगर इसको हम शेड्यूल करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो सकता है, वक्त भी मिल जाएगा उसकी तैयारी के लिए। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो अब JUIF की क्यादत के साथ बातचीत करेगी और उनके साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि एक तारीख का भी तायुन करें, और फिर साथ ये भी फैसला हुआ है। मतलब मगर दूसरी जमातों से आप जब बात की बात करते हैं, फैसला हुआ है तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मेजर कंसर्न है, जो उनका एतराज़ है, वो ये कि मौलाना मजहब का इस्तेमाल करेंगे, मजहब को बुनियाद बनाकर नफरत की सियासत करेंगे। और बहुत हैरत की बात है कि ये एतराज़ नून लीग का क्यों नहीं है, ये कंसर्न नून लीग का क्यों नहीं है। आप लोगों ने भुगता है, आप तो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने गोली खाई है इस किस्म की सियासत की वजह से, तो आप कम अज़ कम मौलाना को नहीं मनाएंगे कि भाई ये एतराज़ दूर कर दे बिलावल भुट्टो जरदारी का, मज़हब का इस्तेमाल ना करें ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल हो जाए? शाहिब, ये शायद मैं आपके ही प्रोग्राम में और चंद और प्रोग्राम्स में वाजे कर चुका हूँ कि इसके ऊपर हमारा JUIF के साथ इतफाक हो चुका है कि ये जो आज़ादी मार्च है, इसके 3 बुनियादी नुकात होंगे। पहला ये होगा कि पाकिस्तान के आइन की हिफाजत और बालादस्ती, दूसरा इस हुकूमत का रुख्सत होना, और तीसरा 90 दिन के अंदर आम साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद। तो इसमें किसी किस्म के हम मजहबी कार्ड को बीच में इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और JUIF ने भी ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि वो दीगर जमातों को भी अप्रोच कर रहे हैं। और आज हमने भी यही कहा है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वसीउल बुनियाद बनाया जाए, उतना ही ये आज़ादी मार्च कामयाब होगा। और इस मकसद के लिए हमारी ये भी तजवीज़ है कि मौलाना साहब फौरी तौर पे एक APC भी कॉल करें, जिसमें हम फिर तमाम दीगर जमातों को भी इसमें शमूलियत के लिए कायल करें और उनको दावत दें। मतलब ये बताएं, आपने कन्विंस कर लिया है मौलाना साहब इस बात पर मान गए हैं कि मजहब को बुनियाद बनाकर हुकूमत के खिलाफ तकारीर नहीं होंगी, नफरत अंगेजी नहीं फैलाई जाएगी, हुकूमत को गिराने की कोशिश मजहब को बुनियाद बनाकर नहीं होगी? और क्या ये बात आप बिलावल भुट्टो जरदारी को अब कम्युनिकेट करने जा रहे हैं या कर दिया है? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि तमाम जमातों से राबता करें और उनको इस बात पर कायल करें कि इस हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि अब रुख्सत के लिए एक मुत्तहिदा जिद्दोजहद की जाए। पाकिस्तान की मईशत को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, कश्मीर के ऊपर जिस तरह इस हुकूमत की नाकामी देखने में आई कि पाकिस्तान सफारती मैदान में इस कदर तन्हा हो गया कि हम 16 मतलूबा वोट भी UN ह्यूमन राइट्स कमीशन में हासिल नहीं कर सके, इसलिए आज हमने बाकायदा तौर पे मुतालबा किया है कि अब पाकिस्तान के मसाइल के लिए उनके पेश नज़र नया जनरल इलेक्शन एक कौमी ज़रूरत बन गया है, और इस नए इलेक्शन के इनेकाद के लिए हमें एक जदोजहद का आगाज़ करना चाहिए, जिसमें तमाम जमातों को जो अपोजिशन में है शामिल होने की दावत देंगे, और जो हकूमत के तहादी हैं उनको भी कायल करेंगे कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए और अवाम के लिए हमें एक नए इंतखाबात के रास्ते पर अब चलने का वक्त आ गया। असल उनके इत्तेहादी क्यों कायल होंगे, और ज़ाहिर इत्तेहादियों की अगर तारीख भी देखें तो क्यों कायल होंगे वो? MQM क्यों कायल हो जाएगी, GDA क्यों कायल हो जाएगी? सबके पास वजारतें हैं, हुकूमत साथ चल रही है, इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत का इदारों के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, तो तारीखी पस मंज़र को देखते हुए इत्तेहादी क्यों कायल हो जाएंगे? और वो कायल नहीं होंगे तो आप हुकूमत कैसे गिराएंगे या नए इलेक्शन कराएंगे? देखिए शाहिब, इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम की सूरत हाल है वो बहुत बेबसी की है, और आप अगर देखें एक गरीब आदमी, एक मज़दूर, एक किसान, एक सफ़ेद पोश, एक मिडिल क्लास, उनके लिए अमलन 2 वक्त की रोटी नामुमकिन हो गई है। अगर वो बिजली का बिल उतार दें तो वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, और ये तमाम जमातें जिनके अपने वोटर्स हैं, जो लोगों के साथ राबता रखती हैं, उनके लिए अब नागुज़ीर है कि वो उनकी आवाज़ सुने। अगर वो नहीं सुनेंगे तो वो अपनी सियासी पोजिशन को खो देंगे। MQM एक मिडिल क्लास पार्टी होने का दावा करती है, और अगर वो मिडिल क्लास को इस जालिम इक्तसादी पॉलिसियों के रहमो करम पे छोड़ के सिर्फ इक्तदार के मज़े लौटती रहेगी, तो
तो फिर खुद उसको फैसला करना पड़ेगा कि उसका और उसके वोटर का क्या कैफियत होगी या क्या ताल्लुक होगा। तो मुझे यकीन है कि इस वक्त जो अवाम की बेचैनी है, अवाम का जो इस्तराब है, अवाम की जो मुश्किलात हैं, उससे कोई सियासी जमात खुद को बेपरवाह या इंडिफरेंट नहीं रख सकती। और ये आप देखेंगे कि अनकरीब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या अवाम के साथ हैं या हमने इक्तदार में खुद को सियासी गोशा नशीनी की तरफ फेंकना है। मगर ऐसे एक बात ना, इत्तेहादी तो बाद में सोचेंगे, आपकी अपनी जमात में ये सब सोचने लगे हैं क्या? क्योंकि आपकी जमात में ही डिवाइड है। ख्वाजा आसिफ साहब इस हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान के जो लॉन्ग मार्च है उसमें सड़कों पर आने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो इस हुकूमत के खिलाफ अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है। तो आपकी अपनी पार्टी का डिवाइड खत्म हो गया जो आप इत्तेहादियों से एक्सपेक्ट किए हुए हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो राय है रखना, वो एक जमहूरी कल्चर का हिस्सा है। लेकिन एक ब्लेसिंग ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मुकम्मल इत्तफाक राय है कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद का फैसला होगा वो मुस्लिम लीग नून का फैसला होगा, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और ये तमाम सिफारशात जो आज की मीटिंग की हैं, ये हमारे कायद तक शहबाज शरीफ साहब लेकर जाएंगे और उनका भी हतमी फैसला हासिल करेंगे। और एक फैसला जो हमारे कायद जब कर देंगे तो उसके ऊपर पूरी मुस्लिम लीग नून के अंदर मुकम्मल इत्तफाक है कि उसको पूरी पार्टी उस फैसले को ओन करेगी और उस पर कमर बस्ता होगी। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन कम अज़ कम ऐलान कर रही है कि वह हुकूमत को गिराने की तैयारियाँ कर रहे हैं, जबकि हुकूमत वफाक और पंजाब में काबीना में बड़ी तब्दीलियां करने जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना जहन बना लिया है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से बड़े फैसले कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म कल ही वतन वापस लौटे हैं और आज अहम मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में भी MNAs को यकीन दहानी कराई है कि उनकी शिकायतों का इजाला किया जाएगा और इसके लिए कुछ तब्दीलियाँ भी की जाएंगी। वफाकी काबीना में रवां साल अप्रैल में भी तब्दीलियां की गई थी और अभी 6 माह भी पूरे नहीं हुए थे कि फिर से बड़ी तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं कि वफाकी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और कुछ ऐसे चेहरे जो माजी में काबीना का हिस्सा तो नहीं रहे मगर तहरीक इंसाफ में हैं वो काबीना में शामिल होने जा रहे हैं और कुछ ऐसे चेहरे भी वापस आ रहे हैं जो माजी में काबीना का हिस्सा थे। तब्दीलियों का ऐलान जल्द ही सामने आ सकता है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में 8 से 10 वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। वफाक के साथ पंजाब में भी बहुत सी तब्दीलियों की बातें हो रही हैं और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आज शाम वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट हाउस में उनके चैम्बर में मुलाकात भी हुई है और पंजाब काबीना में भी एक बार फिर बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान है। मुतअद्दिद वुज़रा को फारिग करके नए वुज़रा लाने का फैसला किया गया है। कुछ वुज़रा के कलमदानों को डिवाइड करने का फैसला किया गया है। IG पंजाब समेत पुलिस में भी बड़ी अहदों पर तब्दीलियां की तवक्को की जा सकती है। आइंदा 24 घंटे में IG पंजाब के भी तब्दीली का इम्कान है और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी मुतअद्दिद अफसरान की तब्दीली की जाएगी। एक बार फिर बड़ी तब्दीलियों की खबरें सामने आ रही हैं। तब्दीली की यह हवा सिर्फ वफाक में नहीं बल्कि पंजाब की सूबाई काबीना और पुलिस तक की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं मगर अभी तक तब्दीली की हवा वज़ीर आला पंजाब तक नहीं पहुंची है बल्कि उनकी मर्जी से ये तब्दीलियां हो रही हैं। साथ ही पंजाब पुलिस में 1 साल से इस्लाहात की बातें हो रही हैं, कमेटियां तश्कील दी गई हैं लेकिन मामला सुस्त रवि का शिकार रहा मगर अब अचानक से सलाहुद्दीन और कसूर जैसे वाकयात के बाद पुलिस इस्लाहात के मामले में तेज़ी आ गई है। अफरा तफरी फैल गई है यानी इस्लाहात का जो तेज़ी से नाफिज होना है उसकी वजह वाकयात हैं ना कि बहुत तफसील से किया गया कोई होमवर्क। इस्लाहात पर फौरी अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को जल्दबाजी में खुफिया प्रेजेंटेशन दी जा रही हैं। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए 28 जनवरी को एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसका काम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट को पंजाब में लागू करने के लिए इकदाम करना था। ज़राए के मुताबिक इस कमेटी का आखिरी इजलास 26 फरवरी को हुआ मगर इसके बाद इस कमेटी का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। फिर अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका से पहले जब वो सऊदी अरब रवाना हो रहे थे तो सेक्रेटरी दाखिला ने उन्हें पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक ये प्रेजेंटेशंस शेड्यूल्ड नहीं थीं और उन्होंने ब्रीफिंग से पहले कमेटी से मुशावरत तक नहीं की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की रवानगी से पहले सेक्रेटरी दाखिला ने 2 बार ब्रीफिंग दी। इस हवाले से द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इस प्रेजेंटेशन में डिप्टी कमिश्नर के गैर मौसर अहदे को बाइख्तियार बनाने की बात की गई। ये तजवीज़ दी गई कि हर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज और सूबाई हुकूमत का मरकजी नुमाइंदा बनाया जाए। इसके अलावा अहम बात यह है कि ज़राए के मुताबिक 4 हफ्ते पहले यानी 2 सितंबर को वज़ीर आज़म को पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से IG पंजाब ने ब्रीफिंग दी थी और
तमाम मुतालिका अफराद इस मीटिंग में मौजूद थे और आईजी पंजाब ने अपनी प्रेजेंटेशन में तमाम अहम मामलात पर तजावीज दी। दूसरी जानिब पंजाब में पुलिस से आवाम की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। पुलिस हिरासत में हलाकतें, मावराए अदालत कत्ल, बच्चों से ज्यादती के वाकयात में वैसे पंजाब में इजाफा हो रहा है और पुलिस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो वक्त पर इकदाम नहीं कर रही। सलाहुद्दीन केस, कसूर में बच्चों से ज्यादती और साहिवाल जैसे वाकयात के बाद पंजाब पुलिस में इसलाहत का मुतालबा जोर पकड़ने लगा और मजीद पकड़ रहा है। वजीर आजम ने ट्वीट करके फौरी तौर पर इकदाम का वादा किया। इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ ज़रूरी कानून साजी हो बल्कि पुलिस में भी इसलाहत की जाए, मगर ऐसा लग रहा है कि इन वाकयात के जवाब में हुकूमत जल्दबाजी में जो कानून साजी करने जा रही है उससे मजीद इख्तलाफ जन्म ले रहे हैं। अवाम के पुलिस के साथ मसाइल में से दो मसले सबसे अहम हैं, उनमें अवाम की पुलिस तक रसाई और दूसरा अवाम के साथ पुलिस का रवैया और ज़्यादती है। अगर रवैया दुरुस्त होता, ज़्यादती ना होती और सलाहुद्दीन जैसे वाकयात ना होते और उन्हें बेहतर अंदाज में हल कर लिया जाता। पुलिस एक जहनी माजूर शख्स को मारना देती वो बच जाता। कसूर के वालदैन की वक्त पर बात अगर पुलिस सुन लेती और तहकीकात शुरू हो जाती तो बच्चों की लाशें उस तरह ना मिल रही होती जिस तरह मिल रही हैं। साथ ही इन वाकयात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद 18 सितंबर को ट्वीट किया और अवाम को एहतसाब की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कसूर वाक़े पर हर एक का एहतसाब होगा, आम आदमी के लिए काम ना करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब तक DPO कसूर को हटाया जा चुका है, SP इन्वेस्टिगेशन कसूर को चार्जशीट देकर मजीद कार्रवाई जारी है, DSP और SHO को मुअत्तल किया जा रहा है और कसूर पुलिस में बड़ी ओवरहॉलिंग की तजवीज़ है। एडिशनल IG की जेर निगरानी तफ्तीश के अहकाम दे दिए गए, मगर अब लग रहा है कि हुकूमत जल्दबाजी में बगैर किसी होमवर्क के जो तब्दीलियाँ करने जा रही है उससे उल्टा इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और जो तब्दीलियाँ होने जा रही थी जिसके अहकाम जारी कर दिए गए थे अब हुकूमत उसमें दोबारा से इनपुट मांग रही है कि जी अब मुतालिका इदारे भी अपना इनपुट दें। आवाम के मसाइल के हल के बजाय पुलिस में मजीद मुदाखलत का तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बजाय इसके कि अपने वादे के मुताबिक पुलिस को सियासी मुदाखलत से आज़ाद करती मजीद सियासी मुदाखलत की तरफ जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी पुलिस असलाहत पर जोर देते रहे और ये मामला उनकी तरजीहात के एजेंडे में सर फहरिस्त रहा। वो आवाम को ये बताते रहे, वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में लाई गई असलाहत को बतौर मिसाल पेश करते रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तर्ज पर पंजाब पुलिस में भी असलाहत के वादे करते आए हैं। ये वादा अब तक पूरा नहीं हो सका, मगर अब खबरें ही आ रही हैं कि इख्तियारात के मामले पर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में, पंजाब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में खींचा तानी नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से शिकायत है कि पुलिस का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी को देकर मजीद सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार किया जा रहा है। अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 और जनरल मुशर्रफ के दौर के पुलिस ऑर्डर 2002 की मौजूदगी के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब पुलिस में असलाहत में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तहरीक इंसाफ में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बड़े क्लियर थे कि उन्होंने किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में किए गए रिफॉर्म्स को पंजाब में भी इंप्लीमेंट करना है। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जो असलाहत लाए थे उसका बुनियादी मकसद पुलिस को गैर सियासी बनाना, इंसाफ की बरवक्त फराहमी, आवाम को सहूलत पहुँचाना था। ये असलाहत मुख्तलिफ मरहलों पर मुश्तमिल थी जिसमें किसी भी शिकायत की सूरत में पुलिस तक रसाई के लिए हॉटलाइन का क्याम किया ताकि ये शिकायत ना रहे अवाम की कि हमारे साथ मसला हो तो हम पुलिस तक रसाई नहीं हासिल कर सकते। साथ ही अवामी नोयत के मसाइल के हल के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल का क्याम जिसके अराकीन में शहरी भी शामिल थे। इसी तरह पुलिस को सियासी और हुकूमती मुदाखलत से आज़ाद करने के लिए कानून साजी की गई, साथ साथ पेशावराना तरबियत के लिए खसूसी तरबियत का आगाज़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में असलाहत के तहत पहला कदम किसी भी शिकायत की सूरत में पुलिस तक फौरी रसाई का था जिसके लिए एक ऐसा निज़ाम बनाया गया, एक डेस्क कायम करके एक हॉटलाइन कायम की गई जिससे फ़ोन पर ही शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी। इस निज़ाम के तहत शिकायत करने वालों की कॉल पर फौरन मुतालिका पुलिस अफसर शिकायत गुजार से राबता करता था। इस निज़ाम के तहत SP को शिकायत से मुतालिक 24 घंटे में रिपोर्ट देना होती थी, शिकायत कुनंदा को अपनी शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई से मुतालिक आगाही दी जाती थी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में अवामी नोयत के मसाइल के हल के लिए इकदाम किए गए जिसके तहत एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल कायम की गई जिसमें आम शहरियों को भी शामिल किया गया जो कि पुलिस स्टेशन में बैठकर प्रॉपर्टी, किराए, इसके अलावा खानदानी झगड़े जैसे उमूमी नोयत के मसाइल हल कराते। इस काउंसिल को कानूनी तहफ़ देने के लिए इस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 का हिस्सा बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में सबसे अहम असलाहत सियासी और हुकूमती मुदाखलत से आज़ाद कराना था। इस मकसद के लिए IG को बाख्तियार बनाया गया। पुलिस में होने वाली तबादलों और तकर्रियों का इख्तियार IG खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया था और अहम बात यह है कि इस अहम इकदाम का सहरा खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया और उसे पुलिस एक्ट में शामिल करके कानूनी तहफ़ फराहम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि नासिर दुरानी ने
इन इख्तियारात के तहत खुद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ अहम वुजरा के हलकों के पुलिस अफसरान के तबादले उस वक्त के वजीर आला या फिर वुजरा से पूछे बगैर करके मिसाल कायम की और वाज़ेह पैगाम पहुँचाया कि पुलिस के मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन तबादलों पर जब वजीर आला या मुख्तलिफ वुजरा ने नासिर दुरानी से राबता किया कि हमसे पूछे बगैर आपने तबादले कर दिए, जिस पर नासिर दुरानी ने कहा कि वो इस बारे में इमरान खान से बात करें, और जब इमरान खान से इस तबादले पर बात की गई तो उन्होंने उसे आईजी का इख्तियार करार दिया कि तबादले और तकरियाँ तो आईजी ही करेंगे। अब अहम बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून के मुताबिक आईजी पुलिस में अहम तैनातियाँ करेगा, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। वादा किया गया था कि जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ वो पंजाब में भी किया जाएगा, मगर वो नहीं किया जा रहा और वहाँ कानून के मुताबिक इस तरह की तकरारी हुकूमत करती है। इसके लिए आईजी पंजाब भी एक पैनल हुकूमत को भिजवा सकते हैं और ये फैसला 2005 में हुआ। अब दिलचस्प बात यह है कि साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में लाए गए पुलिस ऑर्डर 2002 में ये अख्तियार आईजी के पास था, मगर 2005 में उस वक्त के वजीर आला ने इसे तब्दील करते हुए ये अख्तियार सूबाई हुकूमत को दिलवा दिया। आईजी की तकरीरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के छह अरकान पर मुश्तमिल नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया गया था। बहरहाल नासिर दुरानी ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से सियासी मुदाखलत के खात्मे और अवामी शिकायत के फौरी हल के साथ पुलिस की मुख्तलिफ शोबों में महारत पर तवज्जो दी। इस मकसद के लिए पुलिस की रिवायती तरबियत के साथ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरबियत का आगाज़ किया, जिसके तहत पुलिस एहलकारों को सिर्फ जो नॉर्मल तरबियत होती है, जो कि रिवायती तरबियत होती है, उसके अलावा तफ्तीश, इंटेलिजेंस, एहतजाज से निमटने, फसादात से निमटने, धमाका खेज मवाद से मुतालिक खसूसी तरबियत दी जाने के इकदाम किए गए, जिससे उनकी पेशावराना सलाहियतों में इजाफा हुआ। ये वो असलाहत हैं जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में लाई गई, जिसका क्रेडिट बिलाशुबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेती है और उनका बनता भी है। और फिर इलेक्शन में ये वादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा तर्ज की असलाहत दीगर सूबों की पुलिस में भी नाफिज की जाएगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ फौरी इसका नफाज किया जाएगा। सिंध हुकूमत से बात की जाएगी, मगर एक साल से जायद गुजरने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब और कराची कहीं ज़्यादा बड़े हैं। मुल्क भर के 80% जराइम यही रिपोर्ट होते हैं। यही वजह है कि इन असलाहत की ज़रूरत खैबर पख्तूनख्वा से कहीं ज़्यादा इन इलाकों में है। नासिर दुरानी के लिए ये बहुत बड़ा टास्क था। इसी मकसद के लिए नासिर दुरानी को पंजाब पुलिस रिफॉर्म कमीशन का सरबरा बनाया गया। कौम से अपने खिताब में वजीर आजम ने पंजाब में पुलिस असलाहत के लिए साबिक आईजी पख्तूनख्वा नासिर दुरानी का नाम भी लिया। एक पुलिस के जो आईजी थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब आईजी थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें, जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम इस वक्त डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते सिंध में, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि सिंध की पुलिस को ठीक किया जाए। जो काम खैबर पख्तूनख्वा में हुआ वहाँ तहरीक इंसाफ को वो पंजाब में तो करना ही चाह रही थी, बल्कि सिंध से भी कह रही थी कि हम सिंध से भी बात करेंगे, तो सिंध से तो बात में बात की नहीं, पंजाब में भी ये मामला अभी तक नहीं हो सका। और बाद में आईजी की अचानक तब्दीली के तनाज़े में वो हुकूमती इकदाम से मुबैना तौर पर नाराज़ होकर अपने अहदे से अलग हो गए। इस वक्त वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें उस वक्त दुरानी साहब को रोका भी नहीं, और फिर साहिवाल वाक़े के बाद जनवरी 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने खुद पंजाब पुलिस में असलाहत के लिए कमेटी बनाई। उसमें सेक्रेटरी दाखिला और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को अहम किरदार दिया गया। इसके अलावा इस कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरीज को भी शामिल किया गया। साहिवाल वाक़े के बाद ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को टास्क दिया गया कि वो पुलिस के निज़ाम में असलाहत के लिए अपनी तजावीज़ दे। लेकिन अब इस मामले पर तनाज़ात सामने आ रहे हैं। पुलिस का एहतसाब पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए हुकूमत को निज़ाम तो तय करना होगा, चाहे वो सिटीज़न कंप्लेन सेंटर की सूरत में हो, हाई कोर्ट जुडिशल फोरम हो जिसमें एक हाई कोर्ट का जज के पास अख्तियार हो, या कोई ओम्बड्समैन का इदारा हो जो खासतौर पर पुलिस से शहरियों की शिकायत का इजाला करे, या फिर कोई पार्लिमानी कमेटी का फोरम हो जहां हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नुमाइंदगी हो। क्योंकि अगर पुलिस पुलिस की तहकीकात करेगी तो ना तो पुलिस की तरफ से किए गए 800 इनकाउंटर्स पर किसी को जिम्मेदार करार दिया जा सकेगा, ना कसूर के बच्चों और ना ही सलाउद्दीन के कत्ल पर अब तक पता चल सकेगा कि भाई ये मामलात किसने किए थे। जो पुलिस तशद्दुद करेगी तो जिनके ऊपर तशद्दुद होगा, जो मारे जाएंगे उनका नहीं पता चलेगा कि ये काम पुलिस में अगर किया गया तो क्या पुलिस को सजाएं दी गई। पुलिस पुलिस का एहतसाब नहीं कर सकती, मगर साथ ही एक अजीब ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम पैदा हो गया है, जिसमें पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त पंजाब में मसाइल खड़े हो गए हैं कि बगैर होमवर्क के अचानक इस्लाहात लाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से पुलिस में इस वक्त नाराज़ी नज़र आ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं। मगर जब पुलिस में इनकाउंटर्स हो रहे थे, जब पुलिस में सलाउद्दीन जैसे वाकयात हो रहे थे, तो पुलिस की तरफ से वो एहतजाज नज़र नहीं आ रहा था, वो पुलिस की तरफ से वो बायकॉट करने की या इस्तीफे देने की धमकियाँ नहीं सामने आ रही थी, मगर अब वो सामने आ रही हैं।
तो रास्ता क्या हो जब खुद खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त रिफॉर्म का एजेंडा पूरा का पूरा मौजूद है, तो तहरीक इंसाफ उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट पंजाब में कर रही है? हालांकि मैनिफेस्टो में वादा किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाब के बाद वादा किया, क्या वजह है और क्या इस वक्त बेहतर सूरत हाल हो सकती है? शुएब सिडल साहब साबिक आई जी सिंह साबिक सरबरा हमारे साथ मौजूद हैं। हमने वजीर कानून पंजाब राजा बशारत साहब को भी दावत दी, उन्होंने हमसे कमिट भी किया कि वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, मगर उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। शुएब सिडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब सिडल साहब बहुत शुक्रिया साहब, जो हालिया हालात वाकयात हुए ज़ाहिर उससे प्रेशर पड़ा है हुकूमत पर कि तब्दीलियाँ की जाएँ और तब्दीलियाँ होनी भी चाहिए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी भी चाहिए, मगर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, तो अब बताइए ज़रा रिफॉर्म हो तो कैसे हो? 2002 का पुलिस ऑर्डर हो, खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज का जो भी मामला है वो पंजाब पुलिस पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मामला बेहतर हो जाएंगे, ताकि पुलिस अकाउंटेबल हो और उसमें फिर मुदाखलत भी ना हो, सियासी मुदाखलत भी ख़त्म हो जाए। देखें शाहजेब, ये दोनों इश्यूज़ जो है ना कि पुलिस जो है वो ऑपरेशनली ऑटोनमस हो और साथ ही उसके अकाउंटेबल हो, ये बड़े क्रिटिकल इश्यूज़ हैं और इनका ताल्लुक जो है वो पुलिस परफॉर्मेंस के साथ है और उनकी सर्विस डिलीवरी के साथ है, लोगों के उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उसके साथ है। अब पुलिस वाले चाहते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इफ़ेक्टिव वे में हो, शैम अकाउंटेबिलिटी की बात ना हो। अब अगर तो ये कहा जाए कि जी पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेट्स कर लेंगे, तो फिर पूछने वाली बात यह है कि ब्यूरोक्रेट्स पटवारियों को और तहसीलदारों को क्यों नहीं अकाउंटेबल करते, और इतने और महकमे हैं उनमें कौन सी अकाउंटेबिलिटी की यू नो दूध की नहरें बहा दी हैं? तो ये एक पुराने इनका आपस में दोनों सर्विसेज का टसल है। और आपको मैं अगर बताऊं तो इवन 1902 में एक कमीशन बना था, उसका नाम है फ्रेजर कमीशन, और उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि पुलिस की इनएफिशिएंसी की जो मेन वजह है वो उसके काम में इंटरफेरेंस है बाय द डेप्टी कमिश्नर। अब ये वापस उधर ही जा रहे हैं, तो इस तरह की रिफॉर्म जो है वो तो रिफॉर्म तो क्या होगी, बस डिफॉर्म ही होगी जितनी भी आप उसको कह लें, लेकिन नो वन इज़ अपोज्ड आर इन एनी वे यू नो डिनाइज द फैक्ट के पुलिस हैज़ टू बी अकाउंटेबल, बट इफ़ेक्टिवली अकाउंटेबल और थ्रू अ मैकेनिज़म जो कि स्ट्रक्चर उसका ऐसा हो कि वो मैकेनिज़म इंडिपेंडेंट लगे। अब जिस तरह का वो बोर्ड शोर्ड कहा जा रहा है, वो बोर्ड में क्या होगा कि फिर आपके यहाँ भी तो एक अभी बना है ना जो प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, तो आपको पता ही है कि जिस तरह की सिलेक्शन हुई, तो यहाँ पे तो देखें जो पुलिस आर्डर में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो ये है कि नेशनल लेवल पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ही इज़ दी हेडिंग सिलेक्शन पैनल, और उससे ज़्यादा और आप किधर जा सकते हैं, और प्रोविंशियल जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन हैं उसमें चीफ जस्टिसेज ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं। सो आई थिंक हमारे लिए जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि हम, और पंजाब में तो वैसे भी पुलिस आर्डर 2002 लागू है, उसमें इन्होंने दो चार अपनी लोकल लेवल की अमेंडमेंट्स की हुई हैं, उनको देखा जा सकता है, लेकिन इन प्रिंसिपल जो है वो वही आर्डर जो है वो पूरे मुल्क के लिए है, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी अपने जजमेंट में अपहोल्ड कर दिया हुआ है कि जो पुलिस लॉ है वो फॉल करता है एट द सेम पेडेस्टल एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पीनल कोड और यू नो कानून शहादत जिसको हम कहते हैं एविडेंस एक्ट, तो विच मीन्स कि ये लॉज सारे जो हैं ये फेडरल लॉज हैं। सर फिर ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है आप ख़ुद भी कह रहे हैं कि एहतसाब की ज़रूरत तो पुलिस में है जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, और जब पुलिस पुलिस का एहतसाब करती है तो उस पर एतराज़ उठता है कि जी वो ठीक होता नहीं है और किसी को भी इस तरीके से पुलिस में सज़ाएं नहीं हुई हैं महकमाना कार्रवाई के अलावा, तो अगर ये ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत ना हो जिसके ऊपर एतराज़ आ रहा है और ज़ाहिर उसका डिनाइल भी आ रहा है कि ऐसी बात नहीं थी, मगर उसके बावजूद अगर एतराज़ है तो आप कह रहे हैं कि ऐसे फोरम्स मौजूद हैं कि न्यूट्रली पुलिस पुलिस का एहतसाब ना करे मगर न्यूट्रली चाहे जुडिशरी के जरिए पार्लियामानी तरीके से किसी भी तरीके से एहतसाब हो सके?
देखें उसका नाम आप कुछ रख लें, हमने उस वक्त उसका नाम रखा था पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, और बाज़ जगहों पे अब उसका नाम है पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन, इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट कमीशन। बाज़ जगहों पे यू नो ये जो आयरलैंड है अब उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड, वहाँ पे उन्होंने पुलिस ओम्बड्समैन लगाया हुआ है। तो पुलिस ओम्बड्समैन वंस अपॉइंटेड हैज़ एडिक्वेट पावर्स एंड इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, और वो नॉर्मली या कोई बहुत यू नो हाईली रिस्पेक्टेड लायर होता है या कोई सिविल सोसाइटी का यू नो पर्सन होता है, तो लोग मिल जाते हैं उस तरह से, प्रोवाइडेड कि हमारी नीयत ठीक हो। अगर नियत में फतूर हो कि जी हमने राइट से भी और लेफ्ट से भी और सेंटर से भी पुलिस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब हम तो पुलिस में नहीं हैं, हम तो खुद सिविल सोसाइटी में हैं, एंड वी वांट के पुलिस मस्ट इम्प्रूव, और ये थानों में जो कुछ होता है, जो कंप्लेंट्स आती हैं, ये ना हो, क्योंकि हमारे सामने लोग जब बातें करते हैं तो वी डोंट फील गुड अबाउट इट। बट द पॉइंट इज़ के अगर उस सिस्टम को पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर लेना है आपने, और किसी एक सर्विस ग्रुप की ग्लोरिफिकेशन के लिए रिफॉर्म्स करनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यह एतराज़ उठ रहा है कि जब खुद वादे किए थे, खैबर पख्तूनख्वा का एक सक्सेसफुल मॉडल है, खुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उस वक्त अपनी हुकूमत की मुदाखलत से पुलिस को आज़ाद किया, कोई आई जी दुरानी की उस वक्त शिकायत भी करता तो वो कहते कि नहीं ये आज़ाद हैं, ये तकर्रियों में आज़ाद हैं, ये अपने पुलिस डिपार्टमेंट में आज़ाद हैं, तो वही आज़ादी देने को तहरीक इंसाफ की हुकूमत पुलिस को पंजाब में तैयार क्यों नहीं है, और एहतसाब का एक निज़ाम लाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि बार बार के वाकयात हो रहे हैं, वादा भी किया था, बार बार नई प्रेजेंटेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पुलिस का एहतसाब लाजमी है और वो पुलिस नहीं करेगी, मगर जो निज़ाम का वादा खुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान करके आए थे उसमें हिचकिचा रही है खुद तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के 13 माह बाद भी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है अक़वामे मुत्तहिदा का इजलास हो गया, तकारीर हो गई, और बैनुल अक़वामी बरादरी नरेंद्र मोदी पर, वज़ीर आज़म मोदी पर दबाव नहीं डाल रही है, मगर कोई है जो उन पर दबाव डाल सकता है, और उनके जो हालिया इकदामात हैं वो उनसे अमन की तरफ उन्हें ले जा सकता है, वो कौन है, तरह तफसील से बात करेंगे।